किसान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से जो हमारे पास सहारनपुर से आ रही है। समाजवादी पार्टी पर इमरान मसूद का बड़ा हमला, कांग्रेस को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी से मिलते ही सपा पर अटैक किया, कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठाए। गठबंधन में दरार, गठबंधन में कांग्रेस को इज्जत नहीं मिल रही। कैराना उपचुनाव में आरएलडी को सपोर्ट करेंगे, मसूद ने ये बात कही है। जयंत चुनाव लड़े, कांग्रेस सपोर्ट करेगी। यूपी में कमजोर कांग्रेस की नई चाल, कांग्रेस गठबंधन नहीं आरएलडी के साथ जाएगी। राहुल गांधी के काफी खास है इमरान मसूद, राहुल से मिलने के फौरन बाद इमरान का ये बयान आया है। बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, कैराना और नूरपुर के अंदर उपचुनाव होना है और मुझे लगता है कि शायद जल्दी इन चुनाव की घोषणा होनी चाहिए। इसी संबंध में मैं कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी से मिला था और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी कर ऐसा माहौल बनाने की बात की जा रही, जैसे कि वो सारे चुनाव के अंदर सब कुछ वही हैं, बाकी दूसरा किसी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पार्टी किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ाई। मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें जयंत चौधरी को चुनाव लड़ा देना चाहिए, चौधरी साहब अगर तैयार हों तो, वरना तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर हम दोनों चुनाव लड़ें। और यहाँ के समीकरण ऐसे हैं कि हम लोग अगर दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव के अंदर विजयी होंगे। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही सपा नेता उदयवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उदयवीर जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। उदयवीर जी, जो बयान यहां पर दिया गया है इमरान मसूद के द्वारा, इसके क्या मायने निकाले जाएं? सपा के ऊपर बड़ा हमला बोला है। देखिए, हर नेता को अपनी पार्टी और अपने दल के समीकरण बनाने का अधिकार है। उदयवीर जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है मेरे को, मिल रही है आपको? मिल रही है मेरी आवाज? हेलो उदयवीर जी, आपको आवाज मिल रही है? आप सुन सकते हैं? तो लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इमरान मसूद ने यहां पर बड़ा हमला बोला है और सपा के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं। गठबंधन हुआ था सपा और कांग्रेस का, लेकिन अब इमरान मसूद सपा के ही अगेंस्ट खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि उपचुनाव में वो सपा को नहीं बल्कि आरएलडी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, कैराना और नूरपुर के अंदर उपचुनाव होना है और मुझे लगता है कि शायद जल्दी इन चुनाव की घोषणा होनी चाहिए। इसी संबंध में मैं कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी से मिला था और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी कर ऐसा माहौल बनाने की बात की जा रही, जैसे कि वो सारे चुनाव के अंदर सब कुछ वही हैं, बाकी दूसरा किसी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पार्टी किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ाई। मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें जयंत चौधरी को चुनाव लड़ा देना चाहिए, चौधरी साहब अगर तैयार हों तो, वरना तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर हम दोनों चुनाव लड़ें। और यहाँ के समीकरण ऐसे हैं कि हम लोग अगर दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव के अंदर विजयी होंगे। इसलिए सपा नेता उदयवीर जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उदयवीर जी, स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद। उदयवीर जी, इमरान मसूद ने जो ये बयान दिया है, सपा के ऊपर आरोप लगाए हैं, सपा इस बयान को किस तरह से ले रही है? इमरान मसूद जी का खुद का ये बयान है कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है जी, तो उनकी व्यक्तिगत राय को समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा अहम महत्व तो नहीं देना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत राय को कांग्रेस देखे क्योंकि वो उनके नेता हैं। हर नेता को अपनी व्यक्तिगत राय रखना, अपने दल के नेता को राय देना, अपने दल के बारे में विचार करने का हक है। उत्तर प्रदेश में पहला उपचुनाव नहीं हुआ है, इससे पहले सिकंदरा में उपचुनाव हुआ था, वहां भी कांग्रेस अलग लड़ी थी, फूलपुर में भी कांग्रेस अलग लड़ी थी और गोरखपुर में भी कांग्रेस अलग लड़ी थी। और गठबंधन की बातें जो हुई हैं इन दोनों दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में हुई हैं, अखिलेश यादव जी और राहुल जी के स्तर से बातें हुई थी पहले। तो मुझे लगता है कि इमरान मसूद जी के बयान को बहुत लंबे राजनीतिक मायनों के साथ नहीं देखना चाहिए।
जब तक इसमें राहुल जी की तरफ से या उनकी लीडरशिप की तरफ से अधिकारी ध्यान ना आए या समाजवादी पार्टी की तरफ से ना आए। हम लोगों का पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए। और जहां तक कैराना लोकसभा का सवाल है, वहां लगातार समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधित्व किया है, वहां लगातार एमपी समाजवादी पार्टी का रहा है इतने सालों में, और दूसरे दलों ने बसपा से भी जो एमपी रहे वो समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा नेता हैं यही खुद एमपी रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी इस तरफ का हक और दावा समझती है। बाकी नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो सब लोग हम लोग मानेंगे। ठीक है, इसका हम जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से, इसका जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, उदयवीर जी का यहाँ पर ये कहना है कि उनकी व्यक्तिगत राय है और इसे वो बहुत ज्यादा तूल नहीं दे रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, तो इमरान मसूद साहब ने स्वयं कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, और दूसरा उपचुनावों को लेकर के इतना बड़ा बात होना मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि जब चुनाव, आम चुनाव आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ये फैसला लेगा कि आगे कैसे चलना है, क्या करना है। एक चीज तय है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, उसकी सांप्रदायिक सोच को नाश करने के लिए हम सब लोगों को साथ लेंगे भी और सब लोगों का साथ देंगे भी। यानी ये कहा जा सकता है कि अभी भी जो कांग्रेस है वो सपा के साथ खड़ी भी नजर आ रही है। उदयवीर जी, यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी जो कुछ भी समझती है वो अपने आप को ही समझती है और दूसरी पार्टियों का उसमें कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा भी वो मानती है। ये एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने अपने बयान में लगाया, तो क्या ये सही माना जाए? क्योंकि अभी आपने भी एक बात कही कि बहुत ज्यादा इसे अहमियत देने की जरूरत नहीं है, ये उनकी अपनी राय है। ये इमरान मसूद जी अपनी राय है, ये कांग्रेस के लोग देखें कि उनकी राय से वो सहमत है कि नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो अपने गठबंधन में 105 सीट कांग्रेस को दी थी और नेतृत्व के बीच में लगातार अच्छी बात हुई थी। अब इमरान मसूद जी की व्यक्तिगत राय कैसे बनी है, किन अनुभवों से बनी है, वो कांग्रेस के अंदर देखेंगे। कांग्रेस को निर्णय लेना है, समाजवादी पार्टी अपने निर्णय पर रहती है और कांग्रेस की लीडरशिप और आधिकारिक बयान पर ध्यान देती है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी के नेता अनिल दुबे भी जुड़ गए हैं। अनिल दुबे जी, सीधे तौर पर इमरान मसूद ने ये कहा है कि वो आरएलडी को सपोर्ट करेंगे उपचुनाव में, क्या कहेंगे आप? अब वो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वो हमको सपोर्ट करेंगे, उसका स्वागत है। और जो है, हम लोग तो, हमारी पार्टी के नेता चौधरी अजीत सिंह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी, ये वैसे भी उत्तर प्रदेश में बृहद विपक्षी एकता को लेकर के पहले से प्रयासरत हैं और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि जैसा कि गोरखपुर में और फूलपुर में जब उपचुनाव हुआ तो हम लोगों ने विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जो है वहां पर समर्थन देने का काम किया। हम अपने उसी मुहिम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आज जो देश के और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं उनमें एक बृहद विपक्षी एकता कायम हो और सब लोग एक मंच पर आवे, उस दिशा में जो भी आएगा उसका स्वागत। अनिल दुबे जी, लेकिन यहाँ पर विपक्षी जो यूनिटी है, जो एकता है, वो नजर आ ही नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले सपोर्ट किया था यहाँ पर सपा को और सपा के ही अब अगेंस्ट वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि कहीं कोई अगेंस्ट की बात अभी तो नहीं आई है। अभी देखिए, जब उत्तर प्रदेश, मैंने पहले भी कहा कि देश के और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उनमें जनता चाहती है, जब जनता किसी चीज के तरफ मुंह मोड़ देती है, जनता चाहती है कि एक गठबंधन बने, और जनता ने जब चाहा तो फूलपुर और गोरखपुर में जनता ने गठबंधन, लोगों को, राजनीतिक दलों को, सबको मजबूर किया, वहां जनता ने पहले गठबंधन किया। और उत्तर प्रदेश में, देश में, मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ, फिर से गठबंधन जनता कराएगी, सारे लोग एक मंच पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम होगा। अनिल दुबे जी, आप हमारे साथ बने रहिए। उदयवीर जी, आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये बयान इमरान मसूद ने तब दिया है जब वो राहुल गांधी से मुलाकात करके आए हैं, उसके फौरन बाद उन्होंने ये बयान दिया है, तो क्या अब आप इसे गंभीरता से लेंगे? वो उनको ये कहना पड़ेगा कि ये मेरी कांग्रेस अध्यक्ष जी की राय है या मेरी राय से वो सहमत हैं। इमरान मसूद को ये कहना पड़ेगा, इमरान मसूद के ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरी व्यक्तिगत राय है। उनकी पार्टी अगर जब पोजीशन लेगी तो समाजवादी पार्टी उस पर प्रतिक्रिया करेगी। किसी नेता की व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत समझ, व्यक्तिगत नाराजगी
इमरान मसूद लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, इमरान मसूद को लेके बहुत तरह की चर्चाएं होती रही हैं, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, तो उनकी राय को लेकर या उनके क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से उनकी सोच हो सकती है। राजनीतिक दलों के बीच में अलग बात होती है और निचले स्तर पर लोगों की पसंद नापसंद अपनी अलग होती है, तो उनकी अपनी बात है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व के हिसाब से निर्णय लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। और आगे बढ़ते हैं, फैजाबाद से बड़ी खबर है, ट्रेनी चौपर उड़ान के